हमसे हमेशा जुड़े रहने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। विधायक ने किया विश्वविद्यालय छात्रों की मांगों का समर्थन, छात्र हितों की मांगों को लेकर एनएसयूआई का बेमियादी धरना जारी। विभिन्न छात्र हितों की मांगों को लेकर एनएसयूआई द्वारा जय नारायण व्यास विश्वविद्यालय के केंद्र कार्यालय के बाहर दिया जा रहा बेमियादी धरना शनिवार को दूसरे दिन भी जारी रहा। आज जोधपुर शहर विधायक मनीषा पवार भी धरने पर पहुंची और धरनार्थियों की मांगों के बारे में जानकारी ली। उन्होंने धरनार्थियों की मांगों को राज्य सरकार तक पहुंचाने का आश्वासन दिया। एनएसयूआई के जिला अध्यक्ष दिनेश पवार ने बताया कि सभी प्रथम व द्वितीय वर्ष के विद्यार्थियों को जनरल प्रमोट करने, अंतिम वर्ष के विद्यार्थियों को विगत कक्षा में आए अंकों में 10% की अतिरिक्त वृद्धि कर प्रमोट करने, वर्तमान स्तर की फीस माफ करने और छात्रावास व कमरों का किराया माफ करने की मांग को लेकर अनिश्चितकालीन धरना शनिवार को भी जारी रहा। शनिवार को धरने पर जोधपुर शहर विधायक मनीषा पवार भी पहुंची। इस दौरान एनएसयूआई की तरफ से उन्हें भी अपनी मांगों का एक ज्ञापन सौंपा गया। विधायक मनीषा पवार ने इन मांगों का समर्थन करते हुए कहा कि कोरोना महामारी में परीक्षा लेना जायज नहीं है। वे स्वयं राज्य सरकार और विश्वविद्यालय प्रशासन से इस संबंध में वार्ता कर छात्रों की मांगों को रखेंगे। इसके साथ ही अन्य मांगों का भी समाधान करवाने का प्रयास किया जाएगा। देखिए, हमारा एनएसयूआई जो कांग्रेस का संगठन है, वो युवा संगठन है, जो हमारी नींव है, हम उस एनएसयूआई को कहते हैं। आज एनएसयूआई छात्र राजनीति में अग्रण होकर कार्य कर रही है। छात्रों की क्या भलाई है, उसमें हम कैसे उसको वृद्धि कर सकते हैं, इसलिए एनएसयूआई के जिलाध्यक्ष दिनेश परियार के नेतृत्व में आज इन विद्यार्थियों ने और इनके समस्त पदाधिकारियों ने यहाँ धरना दिया है। जिस तरह पूर्व में कोरोना महामारी फैली हुई है पूरे विश्व में और राजस्थान में और जोधपुर में भी आप देख रहे हैं, रोज के रोज अधिक से अधिक मरीज आ रहे हैं, उसमें परीक्षाएं कराना अव्यवस्थित नजर आ रहा है। आप पूर्व में भी अखबारों के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से देख रहे हैं, जहां पर भी पेपर्स हो रहे हैं, सोशल डिस्टेंस का ध्यान नहीं दिया जा रहा है, नजदीक लोग बैठते हैं। तो इस बात को मद्देनजर रखते हुए राज्य सरकार ने भी स्कूलों को भी प्रमोट किया है बच्चों को। तो हम ये चाहते हैं कि जो बच्चे हैं उनको आगे कक्षा में प्रमोट किया जाए इस साल, और उनके पिछले अंकों को देखते हुए अंक की वृद्धि भी की जाए। और इसके साथ साथ जो कोरोना महामारी में आर्थिक मंदी हुई है, उस बात को देखते हुए इनकी यही मांग है कि हॉस्टल की जो फीस है वो भी कम की जाए, या 2-3-4 महीने की वो नहीं ली जाए। जागरूक टीवी के लिए जोधपुर से मुकेश शिमर की रिपोर्ट।